हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में कैट्स एयरड्रॉप से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, क्योंकि दो दिनों बाद इसकी लिस्टिंग होने वाली है, मतलब 8 अक्टूबर को ये लिस्ट होने वाला है। अब आपको क्या करना है अगर आपने इस एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया हुआ है, किस तरीके से आपके वॉलेट में टोकन आने वाले हैं, किस तरीके से क्लेम करना है, इसके अलावा बात करेंगे फाइनल यहाँ पर इसका प्राइस कितना हो सकता है, फाइनल कैलकुलेशन इसके प्राइस को लेकर इस वीडियो में, कि क्या आपको ये $100 $200 या फिर $300 तक का अमाउंट निकाल कर दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, मतलब सीधा सा है डॉग्स की तरह प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। हर एक अपडेट टास्क वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। यहां पर अगर आप देखें, ये बीटगेट का एक्सचेंज मैंने ओपन किया हुआ और मेरे केट्स यहां पर आ चुके हैं। अब आपको ये लग रहा है हमारे तो आए नहीं है, तो ये तो दोस्तों हमारा जो लॉन्च पूल था शायद, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर एक महीना हो गया है, सितंबर के आसपास था, 10 से 11 सितंबर के आसपास, तो उसके टोकन हमें कुछ दिनों पहले मिल गए थे। ठीक है, तो ये केट्स यहाँ पर हमको मिल गए। अब अगर आपने बीटगेट वॉलेट को कनेक्ट किया होगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमारा क्लेम पेज एंड हो चुका है, मतलब अब आप इनके बॉट पर जाएंगे केट्स के, तो अब यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते। आपने जो एड्रेस डाला हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आपको टोकन रिसीव हो जाएंगे। अगर आपने बीटगेट का डाला है, आपने बायबीट का डाला है, तो वहां पर हो जाएंगे। अगर आप अभी तक क्लेम नहीं कर पाए, तो अब लिस्टिंग के दो दिनों बाद, मतलब 10 अक्टूबर को आपके पास मौका होगा फिर से टोकन क्लेम करने का, लेकिन तब आप यहां पर जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है ना, जैसा कि होता है टोनकीपर, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। अभी आप एक्सचेंजेस पर क्लेम कर सकते थे, वो समय अब यहां पर खत्म हो चुका है। अब अगर आप देखें, यहां पर आपके पास आ जाएंगे टोकन जिस प्रकार से मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सीधा ट्रेड में जाना है। ट्रेड में जाने के बाद यहां पर क्या करना है, अभी तो आप देख रहे हैं ये एसटीआर के आ गया, रीजन ये है कि यहां पर केट्स अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रेड पर जाऊंगा तो यहां पर एसटीआर के की जगह क्या आ जाएगा, केट्स आ जाएगा, और सीधा यहां पर सिलेक्ट करूंगा 100% और उससे जाकर यहां पर सेल कर दूंगा। इस तरीके से मेरे केट्स यहां पर सेल हो जाएंगे। अभी यहां पर अगर आप देखें, बीटगेट इसके लिए लॉन्च पूल लेकर आया है। लॉन्च पूल में अगर यहां पर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको एक नया यूजर होना चाहिए। ऑनगोइंग है, टोटल एयर ड्रॉप कितना रखा गया है, 19.5 बिलियन, 7 दिनों का ये ड्यूरेशन है, 6 डेज 6 आवर्स यहां पर बचे हुए हैं। टोटल एयर ड्रॉप अमाउंट, टोटल लॉक कितना हुआ है, बीजीबी और यूएसडीटी आप दोनों को लॉक कर सकते हैं। और यहां पर बीजीबी की रिक्वायर्ड लिमिट कितनी है वो देखिए, लगभग यहां पर ये 1,00,000 BGB मांग रहा है। यूएसडीटी न्यूबी पूल के लिए रखा हुआ है, यहां पर कितना मांग रहा है, लगभग 2,000 USDT अगर आपके पास है तो, मतलब ये हमारे लायक तो है ही नहीं कि हम यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब मैं आपको इसके व्हाइट पेपर पर थोड़ा लेकर आ जाता हूं कि क्या यहां पर पॉसिबल है इसका प्राइस जो है वो यहां पर 0.01 चले जाए, आपको $100 $200 या फिर इससे ज्यादा अमाउंट निकाल कर दे दे। व्हाइट पेपर यहां पर ओपन नहीं हो रहा है, सीधा हम आ जाते हैं इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर इन्होंने इनकी टोकोनॉमिक्स को शेयर किया हुआ है, क्योंकि वही जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, जिससे हम यहां पर प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनल आपका यहां पर अमाउंट कितना बनेगा, प्रॉफिट कितना बनेगा, उसको यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात, कई सारे यूजर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब यहां पर कई सारे यूजर्स के पास ऑलमोस्ट 20,000 तो हो गया होगा, मिनिमम में लेकर चल रहा हूं 20,000 केट आपके पास यहां पर आपने अर्न कर लिए होंगे माइनिंग के थ्रू, टास्क के थ्रू। ये टास्क कुछ ऐड कर रहा है, अभी यहां पर कुछ वीडियोस वाले टास्क बंद हो चुके हैं, कुछ अभी बचे हुए जो नए आए हुए हैं उनको भी आप कर सकते हैं। अब वो सीजन 1 में काउंट होगा, सीजन 2 में काउंट होगा, वो टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी भी यहां पर जो डेटा है वो कैलकुलेट हो रहा है। पूरे तरीके से कैलकुलेट हो जाता तो शायद आपके वॉलेट में आ जाता, एक्सचेंज में आ जाता, जहां पर आपने एड्रेस डाला हुआ है, लेकिन अभी भी कैलकुलेट हो रहा है वो वैसा ही यहां पर शो कर रहे हैं। तो आपको यहां पर टास्क कंप्लीट करना है, हो सकता है ये अभी सीजन 1 में ऐड कर दे, या फिर हो सकता है ये सीजन 2 में, अभी आपको जो टोकन यहां पर आप अर्न कर रहे हैं केट्स के वीडियोज के थ्रू, वॉचकिंग के थ्रू, तो वो यहां पर सीजन 2 में कर दें, तो ठीक है, तो आपको तो टास्क करना है। अब बात आती है यहां पर इसके सप्लाई की, टोटल सप्लाई इसका 600 बिलियन है। अब पूरा सप्लाई मार्केट में अभी नहीं आ रहा है, मार्केट में कितना आ रहा है अभी अगर आप देखें, एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया सीजन 1 के लिए इन्होंने रखा हुआ 180 बिलियन, इसका मतलब है 180 बिलियन सप्लाई यहां पर मार्केट में आ रहा है। अब अगर हम देखें, हम 600 बिलियन लेकर चल रहे हैं और 180 बिलियन लेकर चल रहे हैं, 600 बिलियन में हम यहां पर इसका जो मार्केट कैप है वो देख लेते हैं। अगर इसका प्राइस जो है वो 0.001 जाता है, ठीक है, ये 600 बिलियन हो चुका है, हम प्राइस देकर चलते हैं
001, ठीक है। तो अगर इतना चले जाता है तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप कितना हो जाएगा, $600 मिलियन, जो अप्रोक्सीमेटली जाना यहाँ पर पॉसिबल नज़र आ रहा है। मतलब $500 मिलियन के ऊपर तो ये जा सकता है, मतलब इतना प्राइस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि इतना प्राइस लेवल तो ये हिट कर देगा 0.001, ठीक है। अब 0.001 गया तो यहाँ पर फिर अगर आपके पास 20,000 केट है तो 0.001 के बेसिस पर आपका जो अमाउंट बनेगा वो $20 बनेगा। मतलब INR में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1700 के आसपास आपको ये अमाउंट निकाल कर देगा, जो अभी के समय में बहुत कम है, स्पेशली एयरड्रॉप फार्मर्स के लिए जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं। केट्स में भी लगातार यहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने से हम फार्मिंग कर रहे हैं और 1600-1700 रुपये काफ़ी कम होते हैं। लेकिन ये 20,000 के लिए, अगर आपके पास 50,000 है तो यहाँ पर आपको 0.001 के बेसिस पर $50 मिल जाएंगे। दैट मीन्स INR में हो जाएगा लगभग 4,100 रुपये। अब यहाँ पर ये मैं कंडीशन कब बता रहा हूँ, जब यहाँ पर इसका मार्केट कैप कितना जाता है, $600 मिलियन जाता है 0.001 के बेसिस पर। टोटल सप्लाई अगर मार्केट में रिलीज होता है, लेकिन टोटल सप्लाई मार्केट में रिलीज नहीं होगा, ये सीजन 1 लेकर आ रहे हैं, सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब 180 बिलियन यहाँ पर इसका सप्लाई है जो मार्केट में आएगा। बाकी ये लॉक रहेगा, मतलब कुछ जो है वो सीजन 2 के लिए लॉक रहेगा, कुछ जो है वो इनकी टीम की तरफ रहेगा, टीम के पास रहेगा। तो 180 बिलियन लेकर चलते हैं। अब 180 बिलियन अगर इसका सप्लाई रहता है तो हम यहाँ पर प्राइस इतना कम लेकर नहीं चलते हैं, 0.001 में लेकर चल रहा था, अब थोड़ा सा प्राइस को मैं बढ़ा देता हूँ, 0.008 पर ले आता हूँ, ठीक है। 8 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वैसे, यहाँ पर आप देखिए 8 गया तो सीधा $1.44 बिलियन का मार्केट कैप इसने हिट कर दिया। तो इसको और थोड़ा कम कर देते हैं, 0.001 था तो इसको यहाँ पर थोड़ा 3 गुना बढ़ा देते हैं, 0.003 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अगर इतना जाता है तो फिर इसका मार्केट कैप अराउंड वही हो जाएगा जितना $600 मिलियन था ना, ये $540 मिलियन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली उतना। अब 0.003 चले गया तो फिर यहाँ पर ये सप्लाई के बेसिस पे बता रहा हूँ जो यहाँ पर सीजन वन में आने वाला है, 0.003 हम लेकर चलते हैं। 20,000 केट अगर आपके पास है, 0.003 प्राइस चले गया तो फिर आपको उस समय जो $20 मिल रहे थे वो अब यहाँ पर $60 हो जाएंगे। अब $60 हो गए, दैट मीन्स INR में आपको कितने मिल जाएंगे, लगभग 5,000 रुपये। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब देखने में सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर इसी तरीके से हुआ तो फिर आपको यहाँ पर अगर 20,000 केट भी है तो 5,000 रुपये INR में, मतलब डॉलर में $60 तो बन ही जाएंगे। और अगर आपने 1,00,000 केट कर ली है कहीं से इधर उधर करके, टास्क कंप्लीट करके 1,00,000 केट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, और अगर इसका प्राइस चले जाता है 0.003, तब जाकर आपको $300 का अमाउंट निकाल कर देगा, और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा। मतलब कई सारे यूज़र्स यहाँ पर इस प्राइस से, केट्स के इस सप्लाई से जो सीजन वन में आने वाला है उससे काफ़ी खुश होंगे, इस एयरड्रॉप से खुश हो जाएंगे, और ये डॉग से बड़ा एयरड्रॉप साबित हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, यहाँ पर इसके सप्लाई के बेसिस पर। 0.001 अगर जाता है तो यहाँ पर $600 मिलियन जो अभी इसका यहाँ पर टोटल सप्लाई है उस बेसिस पर। लेकिन ये जो प्राइस मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पर इसका जो सीजन वन का सप्लाई है उस बेसिस पर। तो बहुत जल्द सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 2 दिन बाकी है, जो भी अपडेट आती है सारी आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर ही रहे हैं, तो वहाँ पर आप कनेक्टेड रहना, टेलीग्राम से कनेक्टेड हो जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब हम आपको मिलते हैं किसी अदर अपडेट के साथ, कोई क्वेरी इशू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।